व्लॉग कुणाल विद एंड द व्लॉग्स. तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे. तो आज है 3 सितंबर. तो आज है मुंबई में महा आगमन, बहुत सारे गणपति के आगमन है आज. तो अभी मुझे तो जाना है मुंबई का महाराजा और ताड़देव का आगमन का वीडियो शूट करने के लिए. तो अभी मैं गैंगटो स्टेशन से उतरा हूँ और यहाँ से भी चलते चलते जा रहा हूँ. तो अपना रंजीत भाई को फ़ोन किया था कि किधर, मतलब उसको पता था लोकेशन, मेरे को पता नहीं था. तो वो अभी घर पे ही है और मैं निकल गया पहले ही. तो मेरे को बोला स्टेशन से उतर के, मतलब 10 मिनट पकड़ ले भाई चलने का, 10-15 मिनट. तो अभी यहाँ से चलते चलते जा रहा. तो फिर मैंने बोला ब्लॉग शूट करते करते फिर आराम से निकलते. तो आगमन नहीं हुआ होगा तो अच्छा है. अभी मुंबई से महाराजा सब पहला आगमन हो रहा है, फिर बाद में ताड़देव की. इधर तो अपना निखिल भाई है, तो उसको मैंने फ़ोन किया था कि भाई ताड़देव का कुछ अपडेट होगा तो मुझे दे देना, मतलब आगमन होता होगा तो फिर मुझे डायरेक्ट कॉल कर देना. तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से शूट करके बाद में डायरेक्ट आ जाऊँगा. तो यहाँ पर अभी किसको पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है अभी. तो अपन सही जा रहे थे, तो मैंने उधर पूछ लिया एक भाई को कि खेतवाड़ी कहाँ पर है. तो वो भाई बोले पेट्रोल पम्प कहाँ से गली में, सीधा सीधा निकल जाना भाई खेतवाड़ी आपको दिख जाएगा. तो अभी 11वीं गली का देखते हैं. 11वीं गली है, हाँ 11वीं गली है शायद, पता जाके ही पता चलेगा. तो आज बहुत मज़ा आएगा. और परल में गए तो भाई परल में तो फुल धमाल आज. सिर्फ एक मतलब मुंबई का महाराजा मतलब के जगह पे ही उन लोग बना के, मतलब उन लोग पूरा घुमाते फिर. तो उसके लिए फिर मुझे इधर आना पड़ा क्योंकि गए टाइम भी ताड़देव का भी ऐसे ही था. ताड़देव का मतलब जगह पे उन लोग बनाए थे और फिर घुमा रहे थे पूरे एरिया में, मतलब घुमा रहे थे आगमन के टाइम पे. भाई 11वीं गली कौन सा खेतवाड़ी अंदर ही है, अंदर बज रहे. तो भाई को पूछा तो वो बोला इधर अंदर ही है. तो अभी जाते हैं, अभी चलते चलते वो भाई इधर ही है. तो फुल मज़ा आने वाला है, फुल मज़ा मज़ा मज़ा. तो गाइस यहाँ पर अभी बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी तक वो लोग सब बम्बू वो सब छोड़ रहे हैं और बाकी तो सब रेडी है. तो अभी और टाइम लगेगा और एक डेढ़ घंटा तो लगने वाला ही है मूर्ति निकलने के लिए. अभी तो 10 बजे का टाइम दिया था, 10-11 का कुछ, अभी बच गया है एक. और तो भी अभी तक मूर्ति निकलने का मतलब टाइम अभी तक फिक्स नहीं, अभी कुछ और बोल भी नहीं सकते. मतलब अभी कितना टाइम लगेगा क्योंकि उन लोग अभी बाम्बू वो सब निकाल रहे हैं आराम आराम से, क्योंकि वो आराम आराम से ही निकलना पड़ेगा क्योंकि फटाफट निकालेगा तो वैसा मूर्ति को मतलब बाम्बू वगैरह टच भी हो गया मतलब. तो तब तक कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते और बाद में आते फिर से शूट करते. और फिर अपने को ताड़देव भी जाना है और ताड़देव में भी देखते अभी दोनों टाइम एडजस्ट हो रहा तो है नहीं, पर देखते हैं अभी कितने बजे तक ताड़देव का मूर्ति निकल रहे क्योंकि ताड़देव का भी लेट निकला तो अच्छा है, मतलब इधर का शूट करके बाद में ताड़देव निकलते. तो चलो पहले कुछ नाश्ता करते और बहुत घंटा ला रहे कब से इधर खड़े खड़े. तो चलो Thank you.
मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ये थोड़ा ग्राउंड ग्राउंड जरा वो ढोल पतंग वाले को, ढोल पतंग वाले को सब अपने भाई लोग। तो ये अपने धीरज भाई है, ये नकुल भाई है, ये किरण भाई है और ये कुणाल भाई है और ये अपना रंजीत मेरा भाई, मेरा नाम सुर है। तो सबका भी नाम कुणाल भाई है, इनका भी नाम कुणाल है, हम लोग दोनों भी कुणाल कुणाल ही है, एक झुड़वा कुणाल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ताड़ देव ऊंचा राजा। एक यूट्यूबर है और एक पबजी मास्टर है, ये पबजी मास्टर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ताड़ देव। तो ताड़देव में अभी बहुत सारा आगमन हुए, तो अपने सीक्रेट मास्टर है हमारा। नहीं नहीं, सीक्रेट मास्टर है, सीक्रेट मास्टर। तो ये रही सब खेतवाड़ी की सब गली। तो यहाँ पर ही सब गणपति पूरे लाइन में बैठते हैं, मतलब इसे पूरे लाइन में। तो अभी अपन जाते हैं ताड़देव, और ताड़देव में बहुत सारे आगमन हो गए। अभी आगे से टिकट हाँ अगर दिख जाए, तो बहुत सारे आगमन हुए यहाँ पे। तो अपना निखिल भाई का फोन आया था कि इधर आ जाए, इधर बहुत सारे आगमन हो रहे। तो अभी जाते हैं वहाँ पे और फिर वहाँ पे भी कितने आगमन हो रहे देखते।
तो चाय नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? खाना खाने गए यार, खेतवाड़ी का ये सातवा गली का इतनी बड़ी हमारे गली का और बड़ा है। तो आगमन आज ही लग रहा है, सब लोग देख सकते हैं। हाँ, ये आगमन आज ही, हाँ आज ही आगमन। ये सातवीं गली का नहीं था, एक खंबाटा लाइन का राजा ऐसा कुछ तो था, नाम पता नहीं। उधर कुछ बैनर वगैरह भी नहीं लगाया था, तो बैनर रहता तो भी हम लोगों को पता चलता था। तो यहाँ पर खेतवाड़ी के सब गणपति सब बड़े बड़े ही है, तो मजा आ रहा है खेतवाड़ी में गणपति देखने। इस बार फुल एंजॉय, इस बार गणपति देखने फुल एंजॉय, फुल मजे है, सब देखो और सब मजे लो। मजे करते रहो, आगमन देखते देखते। इस बार सब खेतवाड़ी के सब गणपति देखना, सब बड़े बड़े गणपति मिलेंगे आपको देखने के लिए, मजा आ जाएगी देखने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर अभी राजवाड़ी चाय का मजा लेते हुए ट्राई करते। रंजित ले जाए, ले 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 ऊपर जाके ले। एक नंबर, मजा आ गया चाय पीने, बड़ा गई चाय टेस्टी है। तुम भी आओ पीने के लिए इधर से रजवाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग बकरी अड्डे के यहाँ पर पहुँच गए और क्राउड तो भाई बहुत ही दिख रहा है। अरे आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा, ऐसा लग रहा है आज तो अपना हवा टाइट है भाई क्राउड के अंदर, बीच में जाके वीडियो शूट करने का और व्लॉगिंग करने के लिए। तो अभी देखते हैं अभी जाके, और बेंजो इंजो कुछ दिख रहा तो नहीं इधर, अभी वादक वाले शायद रहेंगे तो अच्छा है, और बेंजो भी रहेंगे तो मज़ा आएगा, थोड़ा नाचने भी मज़ा आएगा बहुत टाइम के बाद, बहुत दिन के बाद मतलब नाचेंगे वगैरह। इतने टाइम से अपन नाच रहे ही नहीं है बेंजो में, सिर्फ वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आज यही तो आज अपन नाचेंगे, आज अपने भाई लोग भी साथ में तो बहुत मजा करेंगे, मजा करेंगे ना, मजा करेंगे फुल मजा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो मैं आपको आगे का पूरा व्यू बता देता हूँ, रुको, आज ऐसा लग रहा है आज अपना हवा टाइट है।
तो भाई आप लोग ने देखा होगा तारदेव ऊंचा राजा बराबर हम लोग टाइम पे पहुंचे तो अभी बराबर आगमन हुआ। तो अभी बजे है 4 तो अभी हम लोग को जाने का है घर पे, अभी शो है हमारा मेलोडी मिर्च के साथ मिलकर जाने का है। हाँ वही 4 बजने हैं तो अभी अपना शो है। तो रंजीत भाई भी अपने साथ अभी आने वाले हैं, अभी हम लोग भी घर पे ही जा रहे हैं अभी। तो अभी यहाँ पर अभी एक आगमन फिर से हो रहा है तो अभी देखते कौन सा है, अगर अब भी होता रहेगा तो रुकेंगे, अगर लेट होता होगा तो फिर निकल जाएंगे क्योंकि अपने को शो पे जाने गए मेलोडी बीट्स के साथ। मेलोडी बीट्स जयेश, तो वो ब्लॉग देखते हैं अपन, ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखो फिर से क्राउड हो गया और यहाँ पर आगमन हो रहा है अभी, पर टाइम लगेगा। तो भाई यहाँ पर अभी लक्ष्मी कॉटेज का मतलब गणपति धाम, तो अभी टाइम लगेगा अब उधर। अभी मैं बोला चलो अपन निकल देंगे क्योंकि अपने को 5 बजे अपने को जाने का है मलाड। तो अपन को पहले बोरीवली जाके पहले ड्रम ड्रम सब लेना पड़ेगा। और रंजीत रेडी है ना शाम को? हमारे साथ रंजीत है आज कीबोर्ड पे, मच गया श्योर। हाँ तो इतना नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अभी कौन सा तो गणपति भी आगमन हो गया मतलब इस साइड से आ रहा है बकरी अड्डे के साइड, तो अभी नहीं थोड़ा नजीक आएगा तो अपन देखते हैं कौन सा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई का सम्राट ही है क्योंकि अपने एक फ्रेंड ने कॉल किया था मुंबई का सम्राट आगमन हो गया है, तो मेरे हिसाब से तो वही है। अभी देखते हैं और कुछ बज रहा तो नहीं, इसे लेके आ रहे फटाफट। तो तुम लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं? आ रही है, फुल मज़ा आ रही है भाई, मज़ा तो सबको आ रही है। आज नहीं लग नहीं रहा, संडे है करके। हाँ संडे ऐसा लग रहा नहीं है, आज भाई लोग साथ में है तो ये भाई बहुत मज़ा कर रहे। तो अभी देखते हैं कौन सा है मुंबई का सम्राट होगा तो फिर मज़ा आ जाएगा देखने के लिए। जब उन वहाँ पे अपने को वीडियो शूट करने मिला नहीं तो यहाँ पे तो शूट करने मिलेगा। मुंबई का सम्राट नहीं है वो, दूसरा ही कौन सा ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ मुंबई का सम्राट ही है। मुंबईचा सम्राट, हाँ मुंबईचा सम्राट ही है। तो देखो बराबर अपना जजमेंट बराबर था, मुंबईचा सम्राट। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेलोडी बीट्स के शो पे बजाने के लिए, तो अभी यहाँ से मैं जल्दी निकल रहा हूँ और अपने वो मिले विक्की भाई, वो भी वीडियो निकालने आए थे तो मिल गए। अभी फ़ोन किया था तो चलो मिलते हैं बाद में।